इतिहास अध्याय 7 बदलती हुई संस्कृति परंपराएं पुनर्जागरण के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं। पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था जिसमें बहुत कुछ मध्यकालीन था, कुछ स्पष्ट आधुनिक तथा कुछ स्वयं में विशिष्ट था। इसने मध्य तथा आधुनिक युग के बीच के रिक्त स्थान को पाट दिया, किंतु इसके साथ ही यह महान राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल था। गत अध्याय में हमने यूरोप में मध्यकाल में विकसित सामंतवाद के इतिहास और उसके पतन के कारणों आदि का अध्ययन किया था। सामंतवाद के पतन के साथ ही 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों का तेजी से विकास हो रहा था और नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। वास्तव में यह काल एक विशिष्ट नगरी संस्कृति के विकास का काल था। इस काल में फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जैसे महत्वपूर्ण नगर कला और ज्ञान के प्रमुख केंद्र बन गए थे। विकसित होती विशेष प्रकार की नगरी संस्कृति ने लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि वे गांव के लोगों से अधिक सभ्य हैं। इसी काल में मुद्रण के आविष्कार ने लोगों की सोच को और अधिक विकसित किया। वे अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनान व रोम की प्राचीन दुनिया से करने लगे। इस काल में कलाकारों और लेखकों को अभिजात वर्ग से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिसने न केवल यूरोप को अपितु पूरे विश्व को प्रभावित किया। इन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिसने न केवल यूरोप को प्रभावित किया। इन नवीन प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप मध्यकालीन सांस्कृतिक परंपराओं में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। मैं आपको बताने जा रहा पुनः जागरण ये क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाला पुनः जागरण ऐतिहासिक दृष्टि से पुनर्जागरण की कोई सहज और स्पष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती है। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ पुनर्जन्म अथवा फिर से जागना अथवा समाप्त प्राय अवशेषों का पुन उद्धार है। व्यापक अर्थ में पुनर्जागरण का अभिप्राय उन सभी परिवर्तनों से है जो मध्य युग से आधुनिक युग तक हुए। वास्तव में बहुमुखी विकास का काल था जिसके कारण मनुष्य की चिंतन शक्ति, प्रयोग बुद्धि तथा दृष्टिकोण में महान क्रांतिकारी परिवर्तन आए थे। पुनर्जागरण ने मध्य युगीन आडंबरों, अंधविश्वासों एवं प्रथाओं को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को स्थापित किया। फर्ग्यूसन ब्रून ने लिखा है कि पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था जिसमें बहुत कुछ मध्यकालीन था, कुछ स्पष्ट आधुनिक तथा कुछ स्वयं में विशिष्ट था। इसने मध्य
एवं आधुनिक युगों के बीच के रिक्त स्थान को पाट दिया, परंतु इसके साथ ही यह महान राजनीतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक जागृति का सांस्कृतिक काल था। इसी प्रकार रॉबर्ट इरगेंग ने पुनर्जागरण के विषय में लिखा है, व्यापक तौर पर रेंसा का अभिप्राय मध्ययुग से वर्तमान युग को प्रारंभ करने के उन सभी परिवर्तनों से है जिनके द्वारा सामंतशाही का पतन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, छापे खाने का आरंभ, बारूद एवं कुतुबनुमा का आविष्कार, नए व्यापारिक मार्गों का आरंभ, अमेरिका की खोज एवं प्रारंभिक पूंजीवाद का आरंभ इत्यादि हुए। सीमित रूप से इसका अभिप्राय उन विशेष सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो सन 1300 से 1600 ईस्वी तक हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मत पुनर्जागरण का अर्थ विद्या का पुनर्जन्म तथा कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय देशों की भाषा का विकास। सेवाइन के अनुसार पुनर्जागरण एक संयुक्त अभिव्यक्त है जिसका प्रयोग मध्यकाल के अंत में और आधुनिक युग के आरंभ के समय दृष्टिगोचर सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया गया था। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने कहा है कि कोई समाज किसी काल विशेष में जागृत होता है और फिर किन्हीं कारणों से वह समाज अंधकार ग्रस्त हो जाता है। कुछ शताब्दियों के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने लगती है, चेतना लौटती है, विचारों और कलाओं के क्षेत्र में फिर से जीवन लौटता दिखाई पड़ने लगता है और इतिहासकार उसे पुनः जागरण की संज्ञा देता है। उक्त विभिन्न विद्वानों के कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है, यह तो मानव मस्तिष्क की एक अनोखी जिज्ञासापूर्ण स्थिति थी जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन अंधविश्वासपूर्ण विचारों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हुई और अधिकांश उन सभी बातों का बीजारोपण हुआ जिनकी झलक में हमें आधुनिक युग में दिखलाई पड़ती है। पुनर्जागरण कोई धार्मिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका प्रादुर्भाव सर्वप्रथम इटली में हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका प्रसार फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी सहित संपूर्ण यूरोप के विभिन्न देशों में हो गया। यह एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप से प्रेरणा लेकर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था। पुनर्जागरण की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। पुनर्जागरण की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन। पुनर्जागरण ने स्वतंत्रता चिंतन की विचारधारा को प्रोत्साहन प्रदान किया। मध्यकाल में व्यक्ति के स्वतंत्र एवं चिंतन पुनर्जागरण के कारण व्यक्ति परंपरागत विचारधाराओं को स्वतंत्र रूप से तर्क की कसौटी पर कसने लगा था। व्यक्ति वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करने के उपरांत ही उसे स्वीकार करने लगा था। दूसरा है स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व का विकास। पुनर्जागरण ने व्यक्ति को अंधविश्वासों, प्राचीन परंपराओं, धार्मिक बंधनों से छुटकारा दिलवाया ताकि वह स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। मानववाद का विकास। पुनर्जागरण ने मानववादी विचारधारा को प्रसारित किया। मध्यकाल में चर्च तथा विशेष जोर दे रहा था, इस संसार में जन्म लेना ही घोर पाप है,
अतः व्यक्ति को इस जीवन का आनंद लेने के स्थान पर परलोक को सुधारना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति तपस्या तथा निवृत्ति मार्ग द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे। इसके विपरीत पुनर्जागरण ने व्यक्ति को इसी जीवन में भरपूर आनंद उठाने के लिए प्रेरित किया और मानव जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। पुनर्जागरण ने व्यक्ति को धर्म और मोक्ष के स्थान पर समस्त मानव समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया। चौथा है देसी भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण ने देसी भाषाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में अभी तक केवल यूनानी और लेटिन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को ही महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय विद्वानों ने जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में पुस्तकों की रचना की ताकि जनसाधारण उनका अध्ययन कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इस प्रकार पुनर्जागरण ने जनसाधारण की बोलचाल की भाषा को महत्व प्रदान कर देसी भाषाओं का विकास किया। पांचवा है राष्ट्रीय की भावना का विकास। पुनर्जागरण काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उत्कर्ष हुआ। इन राज्यों के शासकों ने प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। छठवां है वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ। पुनर्जागरण के कारण व्यक्ति ने प्रत्येक विषय का निरीक्षण अन्वेषण एवं जांच करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार वैज्ञानिक विचारधारा ने मध्यकाल में व्यक्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को आविष्कार कर दिया। सातवां है कला में यथार्थता। पुनर्जागरण काल की कला में यथार्थ चित्रण नैसर्गिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई। प्रोफेसर ममिया प्रसाद सेन के अनुसार आरंभिक पुनर्जागरण कालीन सबसे आश्चर्यजनक गुण था उसका नैसर्गिक सौंदर्य। यह एक ऐसी शैली थी जिसमें कुछ भी अप्राकृतिक नजर नहीं आता, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अतिरिक्त श्रम किया गया है। लियोनार्डो डी विंसी, राफेल और माइकल एंजेलो की चित्रकला में ये विशेषता दृष्टिगोचर होती है। पुनर्जागरण काल की चित्रकला में सहज सौंदर्य व प्रकृतिवाद के दर्शन होते हैं, जो वास्तविक मानवतावादी शैली है। आठवां है वाणिज्यवाद व पूंजीवाद। पुनर्जागरण आंदोलन के कारण व्यवसाय एवं वाणिज्य में लोगों की रुचि बढ़ने लगी, जिसमें वाणिज्यवाद व पूंजीवाद का विकास हुआ। तात्कालीन समाज में व्यवसायी, बैंकर, उद्योगपति, बुद्धिजीवी एवं वैज्ञानिकों का महत्व बढ़ा तथा वाणिज्यवादी नीतियों तथा शासकों के समर्थन से पूंजीवादी एवं अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया गया। नौवां है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। पुनर्जागरण की एक अन्य विशेषता लोगों में बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावनाएं थी। चर्च का प्रभुत्व समाप्त होते ही शासक तथा जनता अपने देश को सर्वत्र तथा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करने लगी। वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, सैनिक शक्ति, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना द्वारा अपने देश को उन्नत बनाने की राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत हुई। परिणाम सैन्य राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। दसवां है शिक्षा में सुधार।
जागरण की विशेषता यह भी थी कि तत्कालीन परंपरागत व्यवस्था में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नवीनता का समावेश किया गया। विज्ञान व गणित के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के द्वारा भी व्यवस्था में